गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर दीपिका मैम आज की क्लास में हम हमारी जो बुक है उसका पार्ट टू यानी कि टर्म टू स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम सोशल स्टडी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे देन फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन the world of growing knowledge। चैप्टर थ्री the age of machines। इस चैप्टर के some important points, मैं आपको कुछ कुछ points कराऊंगी या कुछ notes दूंगी हम सिर्फ उनको करेंगे चैप्टर थ्री हम पूरा नहीं पढ़ेंगे सिर्फ कुछ important पॉइंट्स इसमें से रीड करेंगे चैप्टर नंबर फोर सम पीपल नेवर डाई तो लेसन वन थ्री और फोर यह हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट टू का सिलेबस है साथ ही हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्री भी सॉल्व करना है नेक्स्ट है सबमेटिव असेसमेंट टू यानी कि जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उसके लिए चैप्टर फाइव

ऐसे का स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर वन द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज यानी कि जो संसार है जो मानव है उसने किस तरह से नॉलेज को यानि कि ज्ञान को ग्रो किया कैसे कैसे नॉलेज डेवलप हुई लिखना कैसे सीखा या बाकी जो भी चीज़ें थी किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को डेवलप किया इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे पॉइंट नंबर वन हाउ मैन स्टार्टेड टू राइट मानव ने कैसे लिखना स्टार्ट किया द प्रीमेटिव स्क्रिप्ट्स जो प्राचीन लिपि है प्रेमिटिव मींस प्राचीन और स्क्रिप्ट मींस लिपि जो प्राचीन लिपि है कैसे उनका डेवलप हुआ किस तरह की वो थी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर थ्री वैन मैन स्टार्टेड टू यूज़ नंबर्स जब मानव ने नंबर्स का यूज़ स्टार्ट किया एंड पॉइंट नंबर फोर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पेपर प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर छपाई होती है और पेपर का किस तरह से इन्वेंशन हुआ इन चार टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं मैन इज सुपीरियर टू द ऑल दर लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस मैन मीन्स मानव यहां पर मैन का मतलब है पूरी मानव जाति मेल फीमेल से नहीं मानव जाति तो जो मानव है जो व्यक्ति है वो सभी लिविंग बींग्स में जितने भी जीवित प्राणी हैं पशु पक्षी इंसेक्ट एनिमल इन सभी में वो जो है सुपीरियर है क्योंकि अर्थ पे वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो मानव की सोचने समझने की शक्ति है जो उसकी इंटेलिजेंट पावर है उसके कारण उसको लिविंग बींग्स में सुपीरियर माना गया है डन सिंस अर्ली टाइम्स ही हैज़ बीन ट्राइंग टू चेंज एंड इम्प्रूव द world. काफ़ी समय पहले मानव ने जो है ट्राई किया था और चेंज और इम्प्रूव संसार में कुछ चेंजेस करने के लिए और कुछ इम्प्रूव करने की उसने कोशिश की थी अर्लियर ही यूज साइंस एंड गेस्टर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अर्लियर मीन्स शुरुआत में मानव ने जब बोलना या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सीखा था वो साइन और गेस्टर्स यानी कि कुछ साइन या सिंबल थे और जो फेस के हाव भाव होते हैं उनके थ्रू उसने कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ ही गैदर्ड नॉलेज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव मानव ने अपने अनुभव से नॉलेज को यानी कि ज्ञान को गैदर किया इकट्ठा किया ही फर्दर पासिस हिज नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन और मानव ने जो अपने पास नॉलेज को गैदर किया था उसने उस नॉलेज को फर्दर पास यानी कि पास किया जो भी उसके पास नॉलेज थी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो उनके बच्चे थे या उनके बच्चों के बच्चे थे उनको उन्होंने जो भी अपना ज्ञान था वो सब उनको पास किया यानी कि दिया उनको बताया ऑल दीज वाज़ डन औरली जो भी ये सब नॉलेज थी ये सब कैसे होता था औरली यानी कि बोल कर या बताकर उनको पास किया जाता था दिया जाता था बट द नॉलेज ग्रू so fast that it become impossible for him to master and memorize it। लेकिन जो knowledge है जो ज्ञान है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा था और ये जो है बहुत एक इम्पॉसिबल सी थिंग हो गई थी मतलब एक इम्पॉसिबल बात हो गई थी कि जो हमारी नॉलेज है हम वो पूरी की पूरी उनको जो है दे पाए और वो उनको मेमोराइज़ यानी कि उनको याद कर सकें जैसे कि आपका ये चैप्टर है अगर मैं ये चैप्टर आपको दिखाए दिखाने की बजाय सिर्फ बोल के ऑडियो के थ्रू आपको पढ़ाऊँ तो आप एक एक बात को मेमोराइज़ नहीं कर सकते लेकिन जब आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म में है लिखा हुआ है मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको बाद में भी रीड कर सकते हैं तो ये एक तरीके से रिटर्न फॉर्म हो गई हमारे पास इसको हम मेमोराइज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपके सामने पिक्चर्स ना हो वर्ड्स ना हो सिर्फ़ आपको सुनाया जाए तो उसको याद करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो इसी तरह से पहले जो मैन था उसने नॉलेज ओरली अपने बच्चों को दी थी और उनको ये मुश्किल हो रही थी कि वो उसको मेमोराइज़ यानी कि उसको याद नहीं रख पाते थे लेटर बाद में अ नीड वास फेल्ट टू स्टोर दीज एक्सपीरियंसिस इन रिटर्न फॉर फर्दर जनरेशन बाद में जो है एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो हमारे सारे एक्सपीरियंस हैं उनको हम इकट्ठा करने के लिए कोई रिटर्न फॉर्म कुछ रिटर्न में हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दें दीस द बिगनिंग ऑफ राइटिंग द वर्ड तो ये जो है इस तरह से वर्ड्स की लिखने की जो है वो शुरुआत की गई पहले मानव जो है उसके पास उसको लिखना नहीं आता था बल्कि बोलना भी नहीं आता था वो सिर्फ सिम्बल्स और चेहरे के हाव भाव के थ्रू उसको जो है एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स अपनी बातों को फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ी वो उसको औरली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते थे फिर उनको फील हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल है तो फिर उनका रिटर्न फॉर्म उन्होंने स्टार्ट की अब कैसे उन्होंने लिखना सीखा किस तरह से लिखना स्टार्ट किया इसको हम आगे के चैप्टर में रीड करेंगे स्टूडेंट्स आपका आज का होमवर्क है एस एस टी में ड्रॉ एनी फाइव हिलोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी कि चित्रात्मक जो चित्र वाली लिपि होती है उसको बोलते हैं हिलोग्राफिक एंड रीड लेसन वन पेज वन फाइव एट आपको ये लिपि जो है अपने रजिस्टर में ड्रॉ करनी है और पेज वन फाइव एट को रीड करना है इस पेज को आप रीड करेंगे और जो आपका ये बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में से आप कोई भी फाइव सिंबल्स या जो ये आपको पिक्चर शो हो रही है उनको अपनी कॉपी में छोटा छोटा ड्रॉ करेंगे जो इजी है आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जैसे इसको ड्रॉ कर लीजिए ये ये हम्म तो इस तरह से जो आपको लगता है आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए इस लिपि के बारे में स्क्रिप्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे